राजधानी रायपुर में पूर्व सांसद सुनील सोनी को दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से प्रत्याशित घोषित करने को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुनील सोनी महापौर रहे हैं, दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। वहीं कांग्रेस के दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में स्थिति और कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी किसको बनाए यह उनके लिए मुश्किल है और आने वाले दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भी उनकी हार होगी। वहीं बीजेपी में दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में बगावत जैसी बात नहीं है, दावेदारी कई होंगे पर प्रत्याशी एक ही होता है, सब तन मन लगाकर काम करते हैं। देखिए, सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप सब जानते हैं कि नगर निगम में महापौर भी रहे हैं और अभी पिछला कार्यकाल में रायपुर लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और बहुत ही अच्छा मिलनसार और मृदुभाषी हैं और ये दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाए हैं। मैं सुनील सोनी जी को बधाई देता हूं और पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हमारे में भारतीय जनता पार्टी में खूबी है कि प्रत्याशी नहीं पार्टी चुनाव लड़ता है, तो हम सबका प्रत्याशी तो कमल छाप होता है, उसके लिए काम करते हैं। और सुनील सोनी तो बहुत जाने पहचाने और लोकप्रिय व्यक्ति हैं।